तो आज का वीडियो है हमारा कुरियर के ऊपर। एक और पार्सल आया है, कुरियर आया है कॉइन्स का। जैसे मैंने लास्ट 3 दिन पहले, शायद मंडे को मैंने बताया था, सैटरडे को बताया था कि हरियाणा से ये वाला कुरियर आया हुआ था, लेकिन मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया क्योंकि मैंने कहा था 2 कुरियर और उनके थ्रू आने वाले थे हरियाणा से। ये दीपक गुप्ता जी हैं, हरियाणा बहादुरगढ़ से इन्होंने भेजा है, झग्गर शायद डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। और ये मेरा ऑफिस एड्रेस पे इन्होंने भेजा है, ऑर्बिट ट्रेडर ऑफिस नंबर 1, उस्मान बिल्डिंग नियर वेलकम होटल, कल्याण रोड, भिवंडी, डिस्ट्रिक्ट ठाणे, महाराष्ट्र। तो जिन लोगों को कॉइन वगैरह भेजना है, उनके कॉइन वो लोग हमें इस तरीके से कुरियर में भेज सकते हैं। और उसके बाद ये होगा कि कॉइन को मैं चेक करूँगा। अब हर किसी के कॉइन को मैं अनबॉक्स करके दिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कुछ वीडियो आप लोगों को कि यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से ओपन करके इसको चेक करना पड़ता है। चेक करने के बाद फिर आगे भी एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनको दिखाना पड़ता है। उसके बाद फिर कुछ एस्टिमेशन वैल्यूएशन हम बता सकते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। जो बुक में वैल्यूएशन होती है वो भी लगभग वैसी ही वैल्यूएशन पे हम काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जो बुक में अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे नोट्स हैं जो बुक में मैंने नहीं डाली है क्योंकि एक ही एडिशन में सिर्फ 40 पेज में सारी चीज़ कवर नहीं हो सकती थी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हैं। एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छी चीज़ इसमें डाली गई, अच्छा कंटेंट डाला गया बुक में। तो बहरहाल बुक से रिलेटेड रेट्स आपको इसमें, मैं जो भी आप कॉइन भेजोगे लगभग वैसे ही होंगे, लेकिन अगर कोई अदर कॉइन है तो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है, मार्केट में क्या प्राइसिंग चल रही है उस हिसाब से फिर हम डील करते हैं। बहुत से लोग मुझे लॉट्स के फ़ोटो भेज रहे हैं, किसी के पास 10 kg कॉइन्स का लॉट है पूरा, किसी के पास 25 kg है, यहाँ तक कि आज सुबह में किसी ने भेजा शायद 160 kg लॉट्स है उनके पास कॉइन्स। वो 40 साल से जमा कर रहे हैं, अगर वो अभी ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनको मैंने रिप्लाई किया हुआ है, अभी मॉर्निंग में 9 बज रहा है, मैंने लगभग 8 बजे करीब ऑन किया था मोबाइल व्हाट्सअप, तो मैंने कहा है कि हम डिस्कस करेंगे स्केयर या रेयर कैटेगरी के कॉइन आपके बिकवाने की हम कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों के पास रेयर कैटेगरी के यानी कि दुर्लभ सिक्के जो होते हैं, पुराना सिक्का होने से दुर्लभ नहीं होता है, बार बार बताऊँगा, सिक्कों में कुछ चीज़ों को जाँचना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद वो चीज़ डिसाइड होती है कि वो सिक्का दुर्लभ है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन्स है यानी 1950 से जितने कॉइन बने हैं, उस पर मैंने जो स्केयर कैटेगरी की मैंने यहाँ पे डिटेलिंग दी है, कौन कौन से कॉइन अभी स्केयर हैं जिनकी प्राइसिंग आगे बढ़ने वाली है। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप या पीसी पे अगर आप होंगे, मेरे चैनल पे आओगे तो प्लेलिस्ट में जाना है आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा रिपब्लिक इंडिया रेयर कॉइन्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें 4 वीडियो हैं, रिपब्लिक इंडिया कलेक्टेबल स्केयर कॉइन इसमें 12 वीडियो हैं। तो ये रिपब्लिक इंडिया स्केयर कॉइन वाली अगर आप ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 12 वीडियो चलेगी, उसमें आपको 1 पैसे से लेके 10 रुपये के सारे स्केयर कॉइन मैंने बता दिए हैं। तो वो वीडियो देख करके आपको पता चलेगा कौन से रिपब्लिक इंडिया के स्केयर कॉइन है और उनकी प्राइसिंग क्या है और आने वाले टाइम में उनकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो अगर वो कॉइन्स, मेंबर लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑर्बिट के मेंबर बन चुके हैं, उनके पास अगर अच्छी कंडीशन में ऐसे कॉइन है स्केयर कैटेगरी के और वो लोग हमें बेचना चाहते हैं तो इस तरीके से कुरियर करके हमें भेज सकते हैं। चेक करने के बाद जो कॉइन हमें लगेगा कि हाँ ये सही कॉइन है, सही कंडीशन है, ओरिजिनल है और ये हम दे सकते हैं, क्योंकि हम पोर्टफोलियो का भी काम कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में जो जो लोग हमारे से पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं, जिसमें मैंने कहा है कि स्केयर कैटेगरी के सारे कॉइन्स जो मैंने वीडियो में दिखाए हैं और उसके अलावा भी और कुछ कॉइन्स मैं उसमें ऐड करके दूंगा, तो वो लोग जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कॉइन्स अवेलेबल करवा रहा हूँ। और भी मतलब डीलर्स से भी मुझे कॉइन आ रहे हैं, तो इस तरीके से काम हम कर रहे हैं ऑर्बिट में। तो बहरहाल आज मैं कुरियर ओपन करके दिखाऊंगा आपको, अगर जमेगा तो कॉइन्स की डिटेलिंग में भी जाएंगे, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा सिर्फ पहले आपको खोल के दिखा दूँ क्या कॉइन्स आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पहला अपन कुरियर इसको
ये देखते हैं जो दिख रहा है, स्पीड पोस्ट से भेजा है इन्होंने, ये बात ध्यान रखना है, स्पीड पोस्ट, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस से आता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया है और ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, स्पीड पोस्ट से ही ज़्यादातर लोग भेजते हैं, ठीक है। तो आप भी यही करो, जो वो लोग सवाल करते हैं कि आप क्या भेज रहे हो, अगर आप नोट्स कॉइन वगैरह बोलोगे तो शायद वो लोग मना कर देंगे। तो अब वो किस तरीके से लोग भेजते हैं वो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसी से पोस्ट से ही भेजा जाता है, पोस्ट से ही कुरियर जाते हैं और आते हैं। बुक वगैरह भी मैं ज़्यादातर जो विलेज वाले एड्रेस होते हैं उनको मैं पोस्ट से ही भिजवाता हूँ, ठीक है। तो वो स्पीड पोस्ट से भेजने पे 3-4 दिन 5 दिन में पहुँच जाता है कुरियर। देखो इन्होंने जो पैकिंग की है जिस हिसाब से, डबल पैकिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैकिंग के अंदर ये पैकिंग अभी निकली है, इसको भी खोल के देखते हैं। तो अच्छे से पैक करके आप जब भेजोगे तो संभावना ये रहेगी कि कभी खुल वुल ना जाए, इसके लिए अच्छे से पैकिंग करके इस तरीके से आप भेज सकते हैं। तो कॉइन सेफली या नोट्स जो होगी वो सेफली आएगी। कुरियर करने से पहले एक बार हमको बताना है कि आप क्या भेज रहे हैं। अभी ये हमारे मेंबर ही हैं, ठीक है, तो इसके लिए मुझे इनको ज़्यादा बताना नहीं पड़ा और इन्होंने बोला है जब बिक जाएंगे तब मुझे पेमेंट करना। तो डील में ऐसा भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भेजा है वो तुरंत बिक जाए, कभी कभी टाइम भी लगता है, 10 दिन का टाइम तो वैसे भी मैं बोल के ही चलता हूँ कि कम से कम 1 हफ्ते का टाइम देना है, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ कॉइन्स भेजे हैं हमें रिपब्लिक इंडिया के, ठीक है। ये खाली है, इसको रख देता हूँ मैं, खाली है ये। तो ये कॉइन्स इन्होंने कुछ भेजे हैं, इसको मैं देखता हूँ। एक कॉइन निकल गया, ठीक है, तरीके से फोल्ड किया हुआ है इन्होंने। एक्चुअली क्या है, ये पूरा एक साथ मेरे ख्याल से उनको पैक करने नहीं जमा, तो इसको फोल्ड करके इन्होंने डाला है। अब मैं इसको आराम से मुझे देखना पड़ेगा बिकॉज ये खुल के गिर रहे हैं। चलो ठीक है, तो इन्होंने जो है ना मेरे ख्याल से फैट लाइन डाइवर आईडी के कॉइन्स भेजे हुए, जो आप देख सकते हो 1999 के मुंबई मिंट के फैट लाइन डाइवर आईडी के कॉइन्स इन्होंने भेजे हुए, ठीक है। जैसे ये एक कॉइन मैं दिखाता हूँ आपको, मुंबई मिंट फैट लाइन डाइवर आईडी, हालांकि ये थिन है, ये थिन है, ये फैट दिख रहा है, ये बात का ध्यान रखना है, फैट होना चाहिए, ये फैट नहीं है, नॉर्मल दिख रहा है ये। तो ऐसे ही फैट लाइन जो होगा वो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये कॉइन भेजा इन्होंने, ये फैट है, लेकिन इसमें देखो अगर आप देखोगे तो मुंबई मिंट के बजाय ये मेरे ख्याल से मॉस्को मिंट का है। तो कभी कभी ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है भेजने में, प्रॉपरली आप देख के भेजना है आपको। ये मुंबई मिंट है, ये मॉस्को मिंट दिख रहा है, दोनों में फ़र्क है, मुंबई मिंट मॉस्को मिंट, ठीक है। मॉस्को मिंट में फैट लाइन है, लेकिन मुंबई मिंट जो दिख रहा है ये थीन लाइन दिख रहा है, फैट नहीं है, यानी उभरा हुआ नहीं है, उभरा हुआ होना चाहिए ऐसा। मुंबई में अगर उभरा हुआ होगा तो उसकी वैल्यू है, इस कंडीशन में भी कहूँ तो मैं 100-200 रुपया उसकी फिर भी वैल्यू बनती है, ठीक है। और UNC में होगा तो 500 से लेके 600, कहीं कहीं 700-800 में भी आज भी ये कॉइन बिक रहे हैं UNC कंडीशन में, अनसर्कुलेटेड कंडीशन में। तो दीपक जी ने ऐसे कुछ कॉइन भेजे हुए हैं, सारे के सारे मुझे वही दिख रहे हैं, और 10 रुपीज़ के भी कुछ कॉइन्स है इसमें, 1 रुपीज़ के भी है, ठीक है। मैं
अच्छा हाँ, ये थम वाले कॉइन 1 रुपीस के, अगर आप देखोगे तो थम के ऊपर लाइनिंग्स है, ये देख रहे हो आप, अगर दिख रहा होगा आपको, थम जो रहता है उसके ऊपर लाइनिंग होनी चाहिए। ये एक डाई वैरायटी है एक तरीके की। ये 2007 में मेरे ख्याल से कलकत्ता मिंट, जहाँ तक मुझे याद है, वो थोड़ा सा स्केयर है, कलकत्ता या हैदराबाद 2007 में, ठीक है, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये लाइन वैरायटी का इन्होंने भेजा है, तो ऐसे अलग अलग सिक्के कुछ इन्होंने भेजा। अभी 10 रुपीस का इन्होंने भेजा है, ये भी एक देख लेते हैं। देखो ये नॉर्मल है 10 रुपीस, ये म्यूल वैरायटी नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। पीछे जो है म्यूल वैरायटी में जो मैंने बताया था, पीछे क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए जो 15 लाइन वाला जो है ना, 15 लाइन वाले के जो पीछे का पैटर्न है, वो 10 लाइन वाले के पीछे जब जो छपता है उसको म्यूल वैरायटी बोला जाता है। यानी 15 लाइन वाले के बैक साइड का, रिवर्स साइड का प्रिंट 10 लाइन वाले के इसमें भी छप गया है, और ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा रोटेश, अच्छा, ये 1 o'clock का रोटेशन है इसमें, आप देख रहे हो 1 o'clock का रोटेशन है। ये मेरे से गलती हो रही थी बोलने में, वैसे चलो म्यूल वैरायटी के बारे में बता दिया आपको, लेकिन ये 1 o'clock का रोटेशन है। अभी जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ तो आप देखोगे, तो ये पीछे का जो अशोक स्तंभ है या घुमा हुआ दिखेगा, पीछे की डाई घुमी हुई दिखेगी। तो ये एक तरीके का एरर कॉइन है, ये मेरे ख्याल से ये भी फिर एरर कॉइन ही होगा 10 रुपीस में, देखते हैं इसको भी, ये भी मेरे को लग रहा है एरर कॉइन ही होगा ये। हाँ ये भी एरर कॉइन है, इसमें भी डाई रोटेशन है, और ये 11 o'clock है, यानी ये वाला इस तरफ घुमा है। देखो दोनों में फ़र्क है, एक 1 o'clock की तरफ घुमा है और एक 11 o'clock की तरफ घुमा है। तो ये एरर कॉइन है, एरर कॉइन में जो जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो 6 o'clock और 9 o'clock, ये बात को ध्यान रखना है। यानी अशोक स्तंभ या तो 9 o'clock की तरफ घुमा हुआ होना चाहिए या पूरा उल्टा होना चाहिए 6 o'clock। तो उसमें कलेक्टर की नज़र में उसकी डिमांड है, लेकिन ये भी एक टाइप का एरर है, आप इसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी एक एरर कॉइन ही है, कलेक्ट करके रखने वाला कॉइन है, ऐसा नहीं है कि मतलब एरर छोटा है तो उसको कलेक्ट ना किया जाए, इसको रख सकते हैं, लेकिन हाई डिमांड नहीं है। तो ये भी कुछ कॉइन भेजे इन्होंने, और मेरे ख्याल से 1 रुपीस के भी कॉइन है इसमें, एक देख लेते हैं। ये वाला देख लेते हैं, ये 2012 का बॉम्बे मिंट का दिख रहा है, इसमें क्या है, देखो ये भी एरर वाला है, 10 o'clock या 10:30 o'clock बोल सकते हैं आप, 10 से 11 के बीच में इसका घूम रहा है। तो ऐसे कुछ एरर कॉइन्स भी इन्होंने इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके कॉइन्स आए हैं लगभग, इसमें 2 रुपीस का भी एक कॉइन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 2 रुपीस का कॉइन, देखो ये 3 o'clock रोटेशन है, ठीक है, यानी कि ये 3 की तरफ घुमा हुआ है, डाई रोटेशन एरर बोलते हैं इसको, तो ये 3 o'clock एरर है। तो ऐसे एरर कॉइन उन्होंने ज़्यादा भेजे, देखो ये भी एरर ही दिख रहा है, एरर कॉइन, इस तरीके से एरर कॉइन्स इन्होंने डाई रोटेशन वाले और डाई वैरायटी वाले और 5 रुपीज़ में फैट लाइन डाई वैरायटी भेजा है इन्होंने ये वाले पैक में। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बोला था मुझे इस टाइप के ही कॉइन्स हैं, तो दूसरे मैं अनबॉक्सिंग करने जाऊंगा तो और टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दिखाना सिर्फ ये था कि आपके पास अगर स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स हैं और अच्छे एरर वाले कॉइन्स हैं, जैसे मैंने डाई रोटेशन में कहा आपको 6 o'clock 9 o'clock का एरर हो, या फिर वन साइड पूरा प्लेन हो जाए इस टाइप का एरर हो, ठीक है, तो वो एरर्स की ज़्यादा डिमांड होती है, या डाई शिफ्टिंग एरर जो होता है, यानी कि जो छपाई है वो मूव हो जाती है, आधी प्लेन दिखती है और आधी छपाई दिखती है उसमें, तो उसको डाई शिफ्ट बोला जाता है, डाई खसकी खसकने से वो
आधा ही छप पाता है। तो 50% या 50% से ज़्यादा डाई शिफ्ट वाला एरर रहेगा तो उसकी ज़्यादा डिमांड होती है कलेक्टर की नज़र में। वैसे कॉइन मान लो 2 रुपये में अगर डाई शिफ्ट 50% का होगा तो 500 से 1000 के बीच में कंडीशन के हिसाब से बिकेगा। वैसे ही 6 o'clock 9 o'clock का एरर होगा वो भी 500 से 1000 में बिकेगा, डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ कॉइन। ठीक है, अगर ऐसा कोई एरर स्केयर कैटेगरी के कॉइन में आता है, मान लो कोई स्केयर कैटेगरी का कॉइन है जिसकी वैल्यू 200 रुपया है, लेकिन उसमें भी इस टाइप का छोटा मोटा एरर आ जाता है 3 o'clock 11 o'clock 10 o'clock का, तो उसकी वैल्यू 500 से सीधा 800 या 1000 तक जा सकती है। ठीक है, और रेयर कैटेगरी में अगर इस टाइप का कोई एरर आता है, और रेयर कैटेगरी का कॉइन मान लो अगर 1500 का है, तो ऐसे छोटे मोटे एरर से उसकी वैल्यू 2,500 3,000 तक भी जा सकती है, यानी डबल भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एरर कॉइन्स आप कलेक्ट करो, लेकिन अगर अच्छा एरर होगा तो उसको ज़रूर रखो अपने कलेक्शन में। इस टाइप के एरर के कॉइन्स भी आप रख सकते हो, बिकॉज़ ये भी कलेक्टेबल कॉइन ही है, लेकिन ज़्यादा डिमांड अभी नहीं है इनकी, हाई प्राइस आपको नहीं मिल सकती, लेकिन एक हॉबी के हिसाब से आपको रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बेचने के लिए कलेक्ट करना ये सही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी है क्योंकि ये एक हॉबी है पहले, उसके बाद फिर ये बाइंग सेलिंग का इसमें बिजनेस होता है। ठीक है, तो मैं अपने लोगों को हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लोग जो है हॉबी के हिसाब से कलेक्शन करें। मुझे अच्छा लगा दीपक जी का ये कलेक्शन, अलग अलग मुझे कुछ कॉइन्स इनके दिखे, और एरर भी है इसमें 10 o'clock 3 o'clock है ना, इस टाइप के एरर्स भी है 10 रुपीज़ में 5 रुपीज़ में। तो बाकी के भी मैं देख लूँगा इनके क्या क्या कॉइन्स है, फिर उस हिसाब से उनको बताऊँगा कि ये कॉइन्स की क्या प्राइजिंग उनको मिल सकती है। ठीक है, फिर अगर वो एग्री करेंगे तो मैं आगे प्रोसेस करूँगा, यानी कि जो लोग बायर होते हैं मेरे पास उनको भी ये चीज़ भेजूँगा मैं। अगर वो डील फाइनल हो जाती है तो मैं अकाउंट में उनके पेमेंट डाल दूँगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई रेयर कैटेगरी का कॉइन आप भेजते हैं तो पहले मैं चेक करूँगा, चेक करने के बाद आगे मैं एक्सपर्ट को दिखाऊँगा, वो लोग फाइनल करते हैं तो 2-3 दिन का टाइम उसमें चला जाता है, उसके बाद डील फिर फाइनल होती है, एस्टिमेशन आपको दिया जाएगा। अगर आप बोलोगे कि हाँ ठीक है इतने रेट्स में मुझे चलेगा, तो फिर वो चीज़ आपकी सेल आउट हो जाएगी और फिर आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो या तो आप कुरियर कर सकते हो या हमारे ऑफिस पे लेके आ सकते हो। ऑफिस का एड्रेस मैंने दिखा दिया है स्टार्ट में ही वीडियो के, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार देख लेना, मैंने कुरियर ओपन करते टाइम पे आप लोगों को मेरा एड्रेस दिखा दिया है। तो यह हरियाणा से आया था कुरियर, 3 पैकेज है, इसमें से एक खोल के मैंने अभी दिखाया है, 2 मैं और देख लूँगा। तो मुझे ये वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा, और उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने मिला होगा। कल परसों मैंने ज़्यादातर लोगों का कुरियर कर दिया है, जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने बुक के लिए अप्लाई किया था, सब लोगों को आपको कुरियर जो है मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। और जो किसी ने कहा है बुक इंग्लिश वर्जन में चाहिए, तो उनके ऊपर भी काम स्टार्ट करूँगा मैं। वैसे भी ये 70% आप बोल सकते हो इंग्लिश में ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बुक में हिंदी में लिखे हुए, तो उसको मैं अभी इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, और फिर आप लोगों के लिए दोनों वर्जन अवेलेबल रहेंगे, पूरा इंग्लिश भी और इस टाइप का जिसमें इंग्लिश और हिंदी मिक्स होगी। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।